जी, पहले के दूल्हे क्या मांगते थे और अब के दूल्हे क्या मांगते हैं? अबे यार, 1970 में दूल्हा ये सोचता था कि साला दहेज में रेडियो ही मिल जाए। जब 1980 आया तो सोचता था यार दहेज में साइकिल मिल जाए। जब 1990 आया तो सोचा दहेज में बाइक मिल जाए। 2000 आया तो दहेज में कार मिल जाए। अब साला 2019 आ गया है तो लड़के सिर्फ यही सोचते हैं, भैया कार रेडियो कुछ नहीं चाहिए, बस बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की मिल जाए यार। ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, शायद इसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। एक बुजुर्ग एक मोबाइल के दुकान पे जाता है और दुकानदार को कहता है, बेटा मेरा मोबाइल जरा चेक करना, शायद मोबाइल खराब हो गया है। दुकानदार उसका पूरा मोबाइल चेक करता है लेकिन मोबाइल में कोई खराबी नहीं आती है। वो कहता है, बाबू जी मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, आपके मोबाइल में कोई भी खराबी नहीं है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहता है कि फिर मेरे बच्चों का कॉल क्यों नहीं आता। इसमें माँ बाप के लिए दो लाइन कहना चाहती हूँ, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलते हैं लोग हजारों पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तुम्हार बॉयफ्रेंड जो दी कथाय कथाय राग करे, তুমি অন্য কারোর সাথে বিজি থাকলে রাগ করে, তুমি কথা না বললে রাগ করে, তাহলে তাকে খুব বিশ্বাস করো আর ভালোবাসো, কারণ সে তোমাকে ভালোবাসে বলেই তোমার উপর এই অধিকারটা দেখায়। ভাই মেরা বাথরুম 1 লাখ কা হ্যায়, ভাই মেরা বাথরুম তো 5 লাখ কা হ্যায়, তেরা কিতনে কা হ্যায়? বেটা হাম জিস খেত মে লোটা লেকে জাতে হ্যায় না, ও খেত 7 কারোড় কা হ্যায়, অর হাম আপনা বাথরুম রোজ বদলতে হ্যায়। ভাই মেরা বাথরুম ছেলেরা সত্যি লোভী, কারণ তারা ভালোবাসার কাঙ্গাল। ছেলেরা সত্যি স্বার্থপর, কারণ তারা নিজের ভালোবাসাকে অন্য কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে না। ছেলেরা সত্যি মিথ্যেবাদী, কারণ তারা সুখে না থাকলেও সুখে থাকার হ্যাপি থাকার অভিনয় করে। ছেলেরা সত্যি অভিনেতা, তারা জীবন দিয়ে দিতে পারে কারোর জন্য, কাউকে ভালোবেসে হাসতে হাসতে।